हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबके फेवरेट, छोटे बड़े सभी को अच्छे लगते हैं, चटपटे मसालेदार जीरा आलू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 8 से 10 मीडियम साइज़ आलू। इनको मैंने उबाल लिया है और छिलके निकाल लिए हैं और इनके 2 पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो 4 पीस भी कर सकते हैं, बड़े बड़े पीसेस किए हैं मैंने। राई चाहिए 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 प्याज बारीक काट लिया है मीडियम साइज़ का, जीरा चाहिए 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1/2 छोटी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, जीरा पाउडर लिया है 1 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हींग लिया है 1/4 चम्मच, 1 हरी मिर्ची बारीक काट ली है, गरम मसाला लिया है 1/2 छोटी चम्मच, कसूरी मेथी चाहिए थोड़ी सी, ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, करीबन 1 बड़ा चम्मच, कुछ फ्रेश करी लीव्स लिए हैं, करी पत्ता और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। 2 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल लिया है मैंने। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे राई, राई को अच्छे से तड़काएंगे, फिर इसमें डालेंगे खूब सारा जीरा, 1/2 चम्मच लिया है मैंने जीरा, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हींग डाल देंगे, हरी मिर्ची, धीमी आंच पर हल्का सा इनको सौते कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे प्याज, करी पत्ता। अब हमें प्याज को धीमी आंच पर हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर। मसालों को कुछ सेकंड तक भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाएं वरना मिर्ची जल सकती है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, मसाले में आलू को अच्छे से मिक्स करें, धीरे धीरे चम्मच की सहायता से इसे चलाते रहें, गैस की आंच मीडियम रखें, मध्यम। फिर इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट तक आलू को इसी तरह पकने देंगे। एक बार फिर से चम्मच से चलाएंगे और इसे फिर से हमें एक बार 2-3 मिनट के लिए पकने देना है धीमी से मध्यम आंच पर। अब इसे कढ़ाई से डायरेक्ट भी चला सकते हैं। हमने आलू को मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है, इससे आलू थोड़े से अच्छे अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मसाला पूरा अंदर तक जाएगा और बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। आलू रेडी है, जीरा आलू, अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल दूंगी। इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ खाइए। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको अपने आप ही मिलती रहेंगी।